हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्लासी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विज्ञान क्लासी में। तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, यानी कि आपको पूरा लेक्चर बताएंगे जो कि हमने लिया है ज्योग्राफी पे। तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबा, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। तो आज शुरू होने वाला है सब ज्योग्राफी का लेसन, जो कि SSC CHS सेल या जो कि IAS का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो पूरे एक लेक्चर लूँगा मैं, इसमें पूरे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो पहले हम लेते हैं, जानते हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में। तो ज्योग्राफी का पार्ट है तो यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। ऑल एग्जिस्टिंग मैटर्स एंड स्पेस एज होल फॉर्म यूनिवर्स। जो भी हम देखते हैं मैटर्स है, स्पेस है, वो क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। इट वॉज टर्म्स एज कॉस्मोस, इसे कॉस्मोस भी कहते हैं और सारी स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। इट इज़ बिलीव टू बी एक्सपेंडेड सिंस इट्स क्रिएशन इन द बिग बैंग। अबाउट बिग बैंग थ्योरी थे बताऊँगा उसके बारे में। तो कहते हैं ये 13 बिलियन ईयर अगो से एक्सपेंड होता जा रहा है, मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। ये हमारे यूनिवर्स के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी लेटेस्ट थ्योरीज आई हैं, तो अभी हॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं द वर्ड यूनिवर्स ड्राइव। क्यों यूनिवर्स का वर्ड वर्ड है जो यूनिवर्स, वो ड्राइव कहाँ हुआ? ओल्ड फ्रेंच वर्ड यानी यूनिवर्स से ड्राइव हुआ है। तो जो कि ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड यूनिवर्सम, तो इससे ड्राइव हुआ है, जो कि सीरो ने नाम दिया था, जो कि लेटर लेटिन ऑथर थे, और जो मॉडर्न इंग्लिश वर्ड इसमें यूज़ करते हैं, इसे यूनिवर्स यूज़ करते हैं। तो कुछ फैक्ट ले लेते हैं इसमें बारे में। जो डायमीटर है हमारे यूनिवर्स का 8.8 × 10⁶ मीटर है, इतना डायमीटर है इसका। डायमीटर क्या होता है, अगर ये सपोज कर लो ये सर्कल है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस सेंटर से गुजर रहा है उसे डायमीटर कहते हैं। तो वॉल्यूम 4 × 10⁸ मीटर³ वॉल्यूम है। मास की बात करें 1053 kg जो मास हो सकता है। डेंसिटी बात करें इसके संघनेपन की, तो वो होता है 9.9 × 10⁰ g/cm³। जो एज 13 बिलियन ईयर बताई जाती है। टेम्परेचर इस पर एवरेज होता है 2.72 केल्विन होता है। तो कंटेंट्स बताएँ इसमें, बैरियोनिक जो है ऑर्डिनरी मैटर 4.9% है, डार्क मैटर 6.8% है, डार्क एनर्जी 68.3% है, नॉर्मल मैटर ऑल दैट आर विजिबल। जैसे नॉर्मल मैटर कौन से होते हैं, जैसे स्टार है, प्लैनेट है, ये विजिबल होते हैं गैलेक्सी, ये बड़े होते हैं बड़े से। और मेकअप लेस देन 5% ऑफ टोटल मास, ये सिर्फ 5% है जो अपने दिखते हैं टोटल मास के। दीज डार्क, इसे कहते हैं डार्क मैटर, ये डार्क मैटर से बने होते हैं। डार्क मैटर है वो हमें दिखता भी नहीं है एस्ट्रोनॉमर को, बट कैन स्टडी देयर इफेक्ट, बट उसके इफेक्ट भी पढ़ सकते हैं। डार्क मैटर होता क्या है जानते हैं। डार्क मैटर आर नाइदर एंटी मैटर नॉर ब्लैक होल, ना तो ब्लैक होल है ना तो कोई मैटर है। ब्लैक होल्स आर ग्रेविटी लेंसेज, जो ब्लैक होल्स कहते हैं, जो ब्लैक होल्स कहते हैं वो ग्रेविटी लेंसेज होते हैं, जो कि लाइट को बेंड कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी माना जाता है कि ब्लैक होल्स में अगर कोई चीज़ चली जाए तो वो वापस नहीं आती। तो साइंटिस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ये कई बार इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं बट इसमें से पूरी तरह अभी जाना नहीं जा चुका है। एक्सरे वगैरह रेडियो फैसिलिटीज़ इसको बनाया गया, बट इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं मिली है। तो थ्योरीज आई हैं इसके रिलेटेड डेवलपमेंट के, बिग बैंग थ्योरी जो कि गॉर्जियस लेमैटर ने 1927 में दी थी, याद रखना इसका नाम गॉर्जियस लेमैटर। तो इन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी। इसके थ्योरी के मुताबिक ये जो कॉस्मिक मैटर है ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में था पहले, मतलब बिल्कुल पहले सुकड़ा हुआ था, और जब एक्सपैंड हुआ तो इसमें एक्सप्लोजन हुआ, एकदम ब्लास्ट हुआ, और ये एक बॉल की तरह सुपर डेंस की तरह फैल गया, फैल रहा है। तो ये एक्सप्लोजन अभी तक चलता आ रहा है, चलते जा रहा है, और 1000 mph की स्पीड से चल रहा है, और गैलेक्सीज बन रही हैं छोटी छोटी, और कुछ मिलके कुछ नए नए प्लैनेट्स बन रहे हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी का मानना है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी भी आई थी उसके बाद। स्टेडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये हरमन बॉडी एंड थॉमस गोल्ड ने दी थी, उन्होंने कहा था इसको कंटिन्यूस क्रिएशन के बारे में, मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स हैज ऑलवेज एग्जिस्टिंग एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट एंड विल ऑलवेज लुक एसेंशियली द सेम, सो देयर इज नो ओवर ऑल एवोल्यूशन दस बैलेंसिंग द एवरेज डेंसिटी डिस्पाइट द एक्सपेंशन। क्लियर है। तो ये थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। एज गोल्ड गैलेक्सीज ओल्ड गैलेक्सीज मूव अपार्ट द न्यू गैलेक्सीज आर बीइंग फॉर्म, पहले जो पुरानी गैलेक्सीज होती हैं वो टूटती हैं, उस नई गैलेक्सीज बनती है। गैलेक्सी बताता हूँ आपको क्या आगे बजा के करके। उसके बाद आई थी ओसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, तीन थ्योरी जो बेसिक हैं। ओसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहती है, जो कि डॉक्टर एलन सैंडेज ने दी थी, यहाँ याद रखें डॉक्टर एलन सैंडेज द्वारा, बताता हूँ आपको नाम डॉक्टर एलन ALEN सैंडे। तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे, क्या कहना था इनका, यूनिवर्स कहता है नॉट ओनली एक्सपैंड, ये एक्सपैंड नहीं हो रहा बट इट आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ भी रहा है,
The time interval between the two phases are presumed to be billions of years old. जैसे एक टाइम पे ये सुकड़ रहा है, दूसरे टाइम पे ये एक्सपेंड हो रहा है. तो ये मिक्सचर ऑफ बोथ है, इसे बिग क्रंच थ्योरी भी कहा जाता है. बिग क्रंच थ्योरी जो किसने इसको कैसे कहा जाता है, ओसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैंडेज का कहना था यूनिवर्स स्टार्टेड विद एन एक्सप्लोजन थ्योरी बिग 12 मिलियन वो 12 साल पहले जो बना था एंड कंटिन्यूस एक्सपैंड उससे एक्सपैंड होता आ रहा है. ही वॉज व्यू दैट इट वुड एक्सपैंड फॉर कहता है अगर 17 मिलियन साल तक जो फैलता रहेगा. द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन वुड इंडिकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा जो कि आगे 41 मिलियन ईयर तक चलेगा. ये थ्योरी है अकॉर्डिंग टू, मैं बता दूँ आपको जो थ्योरीज होती है ये साइंटिफिक पूरी तरह नहीं मानी जाती क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो सकता. तो फिर भी ये थ्योरीज कुछ ना कुछ स्टडी दिखाती हैं, कुछ ना कुछ नए चीज़ें दिखाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. तो दिस आर नॉट अ प्रूफ बट आप कह सकते हैं, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं. तो ये थ्योरीज आई हैं तो पढ़ना तो है. तो स्टेज ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्लोजन, जो कंट्रैक्शन की स्टेज को हम इम्प्लोजन कहेंगे. तो कंप्रेस करेगा, लगातार कंप्रेस होगा और एकदम एक्सप्लोड हो जाना, तो ऐसे चलता रहेगा. तो ये था इस एवोल्यूशन का सारी दो तीन थ्योरी आई थी. अब बात करते हैं गैलेक्सी, जो भी बता दी थी गैलेक्सीज क्या होती हैं. हमारी गैलेक्सी होती है लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की कलेक्शन, गैसेज, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो डार्क मैटर होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नज़दीक इकट्ठे हो जाते हैं. जैसे सपोज कर लो ये कोई चीज़ है तो इसके नज़दीक यहाँ पर आसे पास क्या है, डस्ट पार्टिकल इसको खींच रहे हैं, तो इसको इकट्ठे हो जाएंगे नज़दीक आके, तो इसको कह सकते हैं हम गैलेक्सीज बन जाती हैं, उसकी तरफ घूमते रहते हैं ये. तो एट अ टाइम्स दे आर सो बिग देन दे आर कॉल्ड आइलैंड यूनिवर्स, अब ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए बड़े बन जाते हैं, उसे हम बिग आइलैंड यूनिवर्स भी कहते हैं. द स्टडीज रिलेटेड टू द डिस्टेंट स्पेसिस विद ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोपीज इंडिकेट दैट अबाउट 100 गैलेक्सीज आर विजिबल इन यूनिवर्स, अभी तक हमारे को 100 गैलेक्सीज जो हैं यूनिवर्स में विजिबल हैं, जो कि क्लस्टर हैं ग्रुप का, क्लियर है. तो अकॉर्डिंग टू माइकल मैकडॉनल्ड सेंट्रल गैलेक्सीज हैव टिपिकली बीन रेफर्ड टू एज रेड एंड डेड, तो सेंट्रल गैलेक्सीज होती हैं उनको रेड एंड डेड कहते हैं, जो कि ओल्ड ऑर्बिट का होती है, खोल होती हैं. तो बताते हैं गैलेक्सीज बनी कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या है गैलेक्सीज का, क्लियर है, तो ये जानना भी जरूरी है. अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज हैं उसकी किससे बनी है और कंपोजिशन क्या है. तो गैलेक्सीज की पहले टाइप जान लेते हैं. एक होती है एलिप्टिकल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल ऐसा होता है, ऐसी शेप होती है, जैसे कहते हैं एलिप्स, एलिप्स की शेप को जो बनी होती है उसे एलिप्टिकल कहते हैं. तो जो कि एलिप्टिकली होती है, जैसे नियरली स्फेरिकल होती है, अंदर से स्फेरिकल, थोड़ी साइड से गोल और अंदर से एलोंगेटेड, लंबी होंगी, यहाँ से देखो यहाँ से लंबी है और यहाँ से थोड़ी स्फीयर है, तो E7 कहते रहते हैं. दीज हैव लो पोर्शन ऑफ ओपन क्लस्टर, इसमें ओपन क्लस्टर्स नहीं होते, खुले गुच्छे नहीं होते, तो ये लो रेट की होती है, न्यू स्टार फॉर्मेशन में काम आती है. स्पायरल गैलेक्सीज कौन सी होती है, जैसे स्पायरल ऐसे सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जैसे इसमें अंडर सेंटर में न्यूक्लियस है, तो हमारी जो कहते हैं गैलेक्सीज वो मिल्की वे है, जो हमारे नज़दीक है, तो जो हमारे नज़दीक है जैसे स्पायरल घूम रही है, तो इसे मिल्की वे यानी आकाशगंगा. तो एंड्रोमेडा गैलेक्सीज है, क्लियर है. द स्पायरल आर्म्स आर थॉट टू बी एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, स्पायरल आर्म्स का मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी बहुत हाई होगी डस्ट पार्टिकल गैसेज वगैरह घूमते हुए, तो इसे कहते हैं स्पायरल गैलेक्सीज. इररेगुलर गैलेक्सीज जिनको शेप अच्छी जैसी मर्जी हो सकती है, ऐसी शेप जैसी मर्जी शेप, तो उसे कहते हैं हम इररेगुलर गैलेक्सीज, क्लियर है. जैसे आपको दिखाता हूँ मैं कि ऐसी शेप हो, जैसे कोई भी ऐसी शेप, ऐसी ऐसी ऐसी, जिसमें कोई सेंटर ना बनता हो, कुछ ना बनता हो, ऐसी कोई शेप हो, इसे हम कह सकते हैं इररेगुलर. इसमें कोई शार्प बाउंड्री ना हो, ठीक है, और थिनिंग हो आउट ग्रेजुअली, पतली होती जाए. दीज गैलेक्सीज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, में डस्ट पार्टिकल और गैसेज बहुत होती हैं, और इसमें कोलिजन होती रहती है, टकराव होता रहता है, जो कि रेगुलर गैलेक्सीज में होता है. उसके बाद करते हैं सोलर सिस्टम, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है. सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड सन, जो हमारा जो सिस्टम है वो सोलर सिस्टम है, इसमें क्या है, तो सेंटर में क्या है, सन है, इसके आले दुआले क्या घूम रहे हैं, इसके आले दुआले प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो इस सबको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम. द मेजरमेंट ऑफ लार्ज यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब इसमें ये कोई छोटा डिस्टेंस तो है नहीं भी, यहाँ से यहाँ तक हम मीटर में नाप लें, तो इसके लिए हम लार्ज डिस्टेंसेज यूज़ करते हैं, जिसको हम नाम दिया गया जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU. लाइट ईयर भी होता है कि यूनिट, मैं बता दूँ आपको लाइट ईयर LY, इसकी जो वैल्यू होती है 9 पॉइंट समथिंग होती है इंटू 10 की पावर 15,
मतलब हम इतने बड़े डिस्टेंस को एक नाम दे दिया, 10 पावर 15 को एक लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस नापते हैं। ऐसे भी हम मिलियन किलोमीटर